नमस्कार आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज़ आपके साथ मैं नीला शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की विधिवत संपन्न हुई पूजा अर्चना बाला गणपति विलास में। राज्य के मंत्री सरयू राय ने विघ्नहर्ता से राज्य की सुख समृद्धि का लिया आशीष। आज से शुरू हुआ गणेशोत्सव। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब टीम में शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए टाटा स्टील ने कसी कमर। मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 3000 महिलाओं के बीच बांटा गया 4G स्मार्टफोन। आइए अब आपको सैर कराते हैं झारखंड एक्सप्रेस में। ये कोई मामूली रेल नहीं बल्कि बच्चों का है शिक्षा निकेतन। इस रेल में बैठ बच्चे प्राप्त करते हैं शिक्षा। ड्रॉप आउट बच्चों की झुकझुक गाड़ी की सैर सुमित कुमार के साथ। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में एक माह में 64 बच्चों की मौत ने किया स्वास्थ्य विभाग को परेशान। मामले की जांच के लिए विशेष टीम पहुंची एमजीएम अस्पताल। विभिन्न पहलुओं की टीम के सदस्यों ने की जांच। खबरें विस्तार से। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की पूजा शुक्रवार यानी गणेश चतुर्थी के दिन जमशेदपुर शहर में धूमधाम से मनाई गई। शहर के सबसे पुराने गणेश पूजा कमेटी कदमा स्थित बाला गणपति विलास द्वारा गणेश जी की पूजा अर्चना धूमधाम से शुरू की गई। वैसे बाला गणपति विलास द्वारा ये 99 वर्षगांठ मनाया जा रहा है। अगले वर्ष ये कमेटी 100 वर्ष पूरी कर लेगी। इस आयोजन के दौरान भव्य पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। गणेश चतुर्थी के मौके पर यहाँ विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की पूजा धूमधाम से की गई। वैसे पूजा में राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास शामिल होने वाले थे लेकिन कुछ कारणों से वे पूजा में शामिल नहीं हो सके। मंत्रोच्चार के साथ यहां पंडितों ने भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की। इस पूजा कमेटी द्वारा विशाल मेले का भी आयोजन यहां किया जाता है। राज्य के मंत्री सरयू राय पूजा अर्चना में भाग लेकर राज्य की खुशहाली की दुआएं मांगी तथा राज्यवासियों को भी गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी। तो मैं समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, जमशेदपुर वासियों को, इष्ट मित्रों को, सभी को अपनी ओर से भगवान गणेश का सबको आशीर्वाद मिले यह कामना करता हूँ। सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के अवसर पर जमशेदपुर के तमाम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान गणेश सभी के दुख हरे ऐसी मन में कामना करता हूँ। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की टीम में शामिल होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का स्वागत जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया जिसमें टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन के अलावे खेल विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे। जमशेदपुर में आयोजित होने वाले इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए टाटा स्टील ने अपनी कमर कस ली है। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के नाम से टाटा स्टील भी इस वर्ष इस चैंपियनशिप का हिस्सा बनने जा रही है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर शौभिक चैटर्जी और शौभिक घोष का स्वागत जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन और खेल विभाग के कई अधिकारियों के द्वारा किया गया। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब में शामिल होने के बाद ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जमशेदपुर पहली बार पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते हुए टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन ने कहा कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आज में से 4 विदेशी खिलाड़ियों का चयन हम लोगों ने कर लिया है। एक हफ्ते के अंदर बचे 4 खिलाड़ियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। हम लोगों के द्वारा तैयार की गई टीम से शहर के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। हिंदुस्तान के जाने माने खिलाड़ियों का चयन हम लोगों ने किया है और विदेशी कोच के माध्यम से इनका प्रशिक्षण थाईलैंड के बैंकॉक में दिया जा रहा है। नवंबर माह में जमशेदपुर फुटबॉल क्लब टीम अपने शहर में प्रैक्टिस कर दिसंबर के पहले सप्ताह में मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएगी। करोड़ों रुपए की लागत से जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है।
सारा प्लानिंग चल रहा है, बहुत टाइट टाइमलाइन है क्योंकि हम पहली बार टीम लेके जून सेकेंड वीक में ही हमको ये फ्रेंचाइजी मिला है और नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, तो काफी टाइट टाइमलाइन है, लेकिन जितने चीजें करनी है उसके लिए हमारा प्रोग्रेस काफी अच्छा है। पहले टेक्निकल टीम की तरफ से सारी टेक्निकल टीम अभी हमारी हायर हो चुकी है, जहां तक ऑफिशियल प्लेइंग टीम है उसमें हमारे इंडियन प्लेयर्स तो ड्राफ्ट में आ गए थे, इंटरनेशनल प्लेयर्स में थे, हमने चार ऑलरेडी साइन कर लिए हैं, चार अगले हफ्ते में मेरे ख्याल से हम लोग साइन कर लेंगे तो टीम पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से आप देख रहे होंगे कि अभी टाटा स्टेडियम में पूरा काम चालू है, हम लोगों ने प्री सीजन थाईलैंड में प्लान किया है, बैंकॉक में और चांगमाई में, और हमको अच्छे टीम्स मिले हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शौभिक चैटर्जी और शौभिक घोष ने कहा कि हम अपना अनुभव और विदेशी खिलाड़ियों की मदद से इस चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का प्रयास करेंगे। देश और विदेश के चुनिंदा खिलाड़ी का चयन टाटा स्टील ने किया है। इस साल तो हम लोग को बहुत अच्छा डिफेंडर अनस है और तीन को भी लिया है, तो और हम लोग का अच्छा अच्छा डिफेंडर भी है साइड बैक में, और भी आप भी राइट में दो साइड बैक खेल सकते पोजिशन में, और स्टॉपर भी खेल सकते हैं। हम लोग का और जो इंडियन प्लेयर लिया है वो भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंडर भी स्ट्रॉन्ग है, जो जो प्लेयर लिया है सभी पैशन है, तो लोगों को बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा इस साल, तो हम लोग का लग रहा है हम लोग का अच्छा सल मतलब चैंपियनशिप के लिए बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सखी मंडल स्मार्टफोन योजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के लगभग 3000 महिलाओं के बीच 4G स्मार्टफोन का वितरण किया। जमशेदपुर के राजेंद्र विद्यालय सभागार में आयोजित सखी मंडल स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में राज्य के मंत्री सरयू राय, विधायक लक्ष्मण टुडू, विधायक रामचंद्र साहिस, जिला परिषद अध्यक्ष बुलू रानी समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान सखी मंडल की महिलाओं को सरकार के डिजिटल योजना की जानकारी दी गई, साथ ही मोबाइल की ट्रेनिंग भी दी गई। वहीं वक्ताओं ने सभी को डिजिटल इंडिया को सफल बनाने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान सखी मंडल की महिलाओं ने एक स्वर में डिजिटल योजना का समर्थन किया तथा राज्य के मुख्यमंत्री के इस पहल का स्वागत किया। इस स्मार्टफोन में सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल होने वाले ऐप पहले से ही दिए गए हैं, जिसके माध्यम से सखी मंडल की सदस्य डिजिटल माध्यम से तीव्र गति से कार्यों को पूरा कर पाएगी। फोन वितरण के बाद मंत्री ने सखी मंडल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है, इसे महिलाएं भी घर बैठकर ही जनहित के कार्यों को आसानी से कर पाएगी। इस काम के लिए सखी मंडल बनी है, उसको आप बेहतर जानते हैं, हमको जितना बताएंगे उससे अच्छा तरीका से आप जानते हैं क्योंकि आप लोग काम कर रहे हैं। तो सरकार आपको फोन दे रही है, स्मार्टफोन तो इसलिए दे रही है कि आपका जो काम है उस काम को आप और बढ़िया तरीका से कर सकें। किसी आदमी के पास एक साइकिल है, जितनी रफ्तार है मोटरसाइकिल में या तो तेज रफ्तार से चलता है, वैसे ही आपके काम में काम का हिसाब किताब रखना पड़ता है, बैंक से लेन देन के बारे में आपको जानना पड़ता है, इन सब चीजों के बारे में अब आप स्मार्टफोन से ही काम कर सकते हैं। अब जो नजारा आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो रेलगाड़ी का नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का है। ये जीरो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए बनाया गया स्कूल भवन है। यहाँ रेलगाड़ी के डिजाइन में बने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस रेलगाड़ी वाले स्कूल में पढ़ने के लिए भारी संख्या में बच्चे यहाँ आ रहे हैं और रेल में बैठकर सफर के साथ साथ अपना शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं झारखंड एक्सप्रेस का नजारा सुमित कुमार के साथ। ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो लौह नगरी जमशेदपुर के टेम्पलेट का है। यहाँ अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल भवन को रेलगाड़ी का शक्ल दिया गया है। यहाँ टेम्पलेट कंपनी एवं सरकारी स्कूलों में बच्चों को आकर्षण को देखते हुए स्कूल भवन को रेलगाड़ी का शक्ल दिया गया है।
इस रेलगाड़ी वाले स्कूल भवन में भारी संख्या में बच्चे आ रहे हैं और अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेन इन स्कूल। इसमें पूरे स्कूल को ट्रेन का रूप दिया गया है। स्कूल के गेट को ट्रेन का इंजन का रूप देकर पेंट किया गया है। क्लासरूम को बॉगी का रूप दिया गया है। ट्रेन का नाम झारखंड एक्सप्रेस है, तो एक का नाम विद्या ज्योति एक्सप्रेस और एक का नाम आंध्रा एक्सप्रेस रखा गया है। तीन स्कूल को ट्रेन का नाम से बच्चे जानते हैं और बच्चों का कहना है कि हमको ऐसा लगता है कि मानो हम ट्रेन में बैठकर सफर कर रहे हैं। इस ट्रेन की पेंटिंग से सभी बच्चे खुश है। सोच यही है कि सब बच्चे ये सोच के स्कूल आते हैं कि ट्रेन हमारे स्कूल में है, जल्दी स्कूल जाओ, और पढ़ाई में उन्हें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं। पहले नहीं था तो उन्हें हल्का खराब लगता था। सब स्कूल से देखते थे तो आके बोलते थे सर उस स्कूल में आज वैसा पेंटिंग देखे, इस स्कूल में ऐसा पेंटिंग देखे, इस कारण अब हमारे स्कूल में भी हो गए हैं, बच्चे भी खुश हो गए। हमारे स्कूल में पेंटिंग से बहुत लाभ हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा। बच्चे जो पहले टेस्ट में 15-14 लाते थे, अब वो 17-18 लाने लग गए। सर ऐसे होगा तो बच्चे डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। कंपनी एवं सरकार की इस पहल से बच्चे भी काफी खुश हैं। साथ ही जो बच्चे कभी रेल देखे ही नहीं थे, उनमें खुशी का ठिकाना नहीं है। इस रेल नुमा स्कूल भवन में बैठकर शिक्षा पाकर बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस स्कूल भवन को ट्रेन के इंजन से लेकर बोगी तक का शक्ल दिया गया है, जिससे बच्चे शिक्षा के साथ साथ रेल का भी आनंद उठा रहे हैं। इस स्कूल का नाम ट्रेन के नाम पर ही झारखंड एक्सप्रेस रखा गया है। इस तरह की पहल से बच्चों में खुशी देखी जा रही है। इस तरह के भवन बनने से स्कूल में बच्चों की संख्या भी बढ़ी है। स्कूल प्रबंधन में बच्चों की अधिक उपस्थिति देखने से खुशी भी है। पहल यही है कि यहाँ पर ट्रेन का बन गया है तो सब बच्चे सोचते हैं कि मुझे ट्रेन देखने मिल रहा है। पहले हम लोग का स्कूल में पेंटिंग नहीं हुआ था तो सबको देखने में थोड़ा गंदा भी लगता था। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई भी नहीं करते थे, शर्म के मारे अपने स्कूल के नाम भी नहीं बोलते थे कि यहाँ पर मतलब पेंटिंग नहीं है, थोड़े गंदे दिखते हैं। अभी ट्रेन का मॉडल बन गया है तो बहुत सुंदर दिखने लगा है स्कूल, तो सबको बोलने में अच्छा लगता है, हाँ मेरा स्कूल में ट्रेन बना है। हाँ बहुत खुश है, सब बच्चे बहुत खुश हैं। बहरहाल इस तरह की पहल बेहद अनोखी है और बच्चे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा पहुंच रहे हैं और बुनियादी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। जरूरत है कि इस तरह के कदम को आगे और बढ़ाया जाए और अधिक से अधिक बच्चों तक शिक्षा की अलख पहुंचाया जाए। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में पिछले 30 दिनों में 64 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस खबर के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गई है और मामले की जांच के लिए विशेष टीम जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंची। वैसे आपको बता दें कि कल ही एमजी न्यूज ने ही आपको सबसे पहले इस खबर से रूबरू कराया था। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरह कुल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पिछले 30 दिनों में 64 बच्चों की जाने चली गई थी। अस्पताल में 64 बच्चों के जान जाने का मामला मीडिया में कुछ इस कदर उछला कि स्वास्थ्य विभाग की नींद ही उड़ गई। इस मामले की जांच हेतु विभाग सक्रिय हुई और कुल्हान स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंची और मामले की पड़ताल की। इस टीम में कोल्हान स्वास्थ्य विभाग के रीजनल डिप्टी डायरेक्टर हिमांशु भूषण वर्णवाल, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के एन मिश्रा और सिविल सर्जन के सीसी मुंडा शामिल थे। वैसे आपको बता दें कि कुपोषण के कारण बच्चों का इलाज यहां किया जा रहा था, इस दौरान बच्चों की मौत हुई थी। पिछले 30 दिनों में 64 बच्चों की मौत यहां हुई है। टीम के सदस्यों ने अस्पताल के चिकित्सा व्यवस्था की गहन जांच की। सबको हम लोग देख रहे हैं, रजिस्टर चेक कर रहे हैं कि कितना एडमिशन था, कितना डेथ हुआ है, उसका पूरा डाटा बना ले रहे हैं। फिर हम लोग रजिस्टर को माइनूटली जांच करेंगे, कुछ से जांच करेंगे, लेकिन जो डेथ की बात हुई है माल न्यूट्रिशन से संबंधित है, तो वो देखना होगा कि क्या बच्चे माल न्यूट्रिशन से थे या अलग अलग रोग के भी है। ठीक जुलाई महीना का ही दिया गया है, 64 बच्चे डेथ किए हैं। सरायकेला खरसवा जिले के आरआईटी थाना अंतर्गत नीमपाड़ा गांव में एक युवती की रहस्यमयी मौत हो गई है, जबकि युवती की एक बहन को बेहोशी की हालत में घर का दरवाजा तोड़कर निकाला गया है। वहीं युवती की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने युवती के परिजनों और आरआईटी थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। उधर घटना की सूचना मिलते ही सरायकेला एसडीपीओ, आरआईटी और आदितपुर थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे और बंद घर का दरवाजा स्थानीय लोगों के सहयोग से तोड़वाया। घर के भीतर एक युवती मृत अवस्था में पाई गई तथा दूसरी
बेहोशी की हालत में थी। उधर पुलिस ने बेहोश युवती को तत्काल इलाज के लिए भेज दिया और युवती की मौत की तफ्तीश में जुट गई है। देर रात तक पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी रही। उधर युवती की मौत कैसे हुई इस संबंध में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हालांकि इस संबंध में सरायकेला SDPO अविनाश कुमार ने बताया कि दोनों युवती किराए के मकान में रहती थी और आदिरपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसी कंपनी में काम करती थी। उन्होंने बताया कि कल दोनों युवती काम से लौटी और बगैर खाना खाए ही सो गई। वैसे बस्ती वासियों ने आज सुबह जब दोनों युवती को अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं देखा तब जाकर इसकी सूचना थाने को दी। थाना क्षेत्र में एक गांव है नीमपाड़ा, वहां पे दो बच्ची लगभग 20 से 22 साल के बीच में वहां पे रहकर मजदूरी का काम करती थी। कल शाम में ये लोग जब फैक्ट्री से मजदूरी करके लौटी तो खाना उना बनाई और वहीं पे सो गई दरवाजा बंद करके। उसे सोने के क्रम में जो अभी प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो बेहोश हो गई, उसके बाद वो उसका डेथ हो गया वहां पे। दूसरी बच्ची भी खाना पीना नहीं खाई थी तो वो भी वीकनेस के चलते वो भी बेहोश हो गई थी। जब वहां से बाहर नहीं निकली तो बगल बगल के लोगों ने खबर किया, घर वालों को भी खबर किया, पुलिस को भी खबर किया। वहां से जब पुलिस जब दरवाजा तोड़ करके अंदर गई तो वहां पे देखा कि डेड बॉडी है, एक लड़की बेहोशी की हालत में है। तो उस बच्ची को रेस्क्यू करके जल्दी से पहले अस्पताल में भेजा गया। बच्ची स्वस्थ है एक लड़की, और एक पूनम करके है वो उसका डेथ हो चुका है। अभी अनुसंधान जारी है, मुखर बिंदु की जांच कर रहे हैं। अभी अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। झारखंड राज्य में दरोगा बहाली की PT परीक्षा शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को जमशेदपुर शहर के 5 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा हुई। झारखंड स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाले दरोगा बहाली की PT परीक्षा शुक्रवार को जमशेदपुर शहर के 5 अलग अलग केंद्रों में हुई। वैसे गुरुवार को ही जिले के उपायुक्त तथा SSP ने सभी केंद्रों का निरीक्षण किया था और ये सुनिश्चित किया था कि परीक्षा साफ सुथरे माहौल में आयोजित हो सके। शुक्रवार को परीक्षा केंद्रों के बाहर बड़ी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। गुरुवार को साक्षी बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया था और इसमें कई वर्षों पुराने दुकानों को भी तोड़ा गया था। इसके खिलाफ भाजपा महानगर के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मदेव नारायण शर्मा के नेतृत्व में दुकानदारों ने साक्षी गोलचक्कर पर गुरुवार से आमरण अनशन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि गुरुवार को चलाए गए इस अभियान के तहत लगभग 45 दुकानों को तोड़ा गया था और इसमें कई ऐसे दुकानें थी जो कई दशकों से यहां चल रही थी। बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामे भी हुआ था और पुलिस ने लाठियां भी भांजी थी। इसके खिलाफ भाजपा महानगर के पूर्व अध्यक्ष ब्रह्मदेव नारायण शर्मा जिला प्रशासन के खिलाफ शुक्रवार से दुकानदारों के समर्थन में अनशन शुरू कर दिए। इनके अनुसार उन्हें पूर्व में कोई भी नोटिस जारी नहीं की गई थी और तोड़फोड़ कर प्रशासन ने दुकानदारों पर जुल्म ढाया है, इसके खिलाफ ये अनशन किया जा रहा है। हम आमरण अनशन पे बैठे हैं। जो अचानक प्रशासन द्वारा गुंडागर्दी की गई, 50-60 साल से दुकान लगाए हुए बसे हुए लोग और उनको उनकी रोजी रोटी के लाले पड़ गए, वो स्थिति पैदा की। और उतना ही नहीं बल्कि एक भी सामान निकालने का अवसर नहीं दिया, तो ये सबसे बड़ी गुंडागर्दी प्रशासन का कहा जाए और पराकाष्ठा, ये प्रशासन की गुंडागर्दी की पराकाष्ठा है। और सबसे बड़ी बात है कि नैतिक मूल्यों का पूर्णतः इन लोगों ने रौंदा है, भावनाओं को रौंदा है, अधिमौलिक अधिकारों को रौंदा है यहाँ के प्रशासन। दूसरा पहलू ये कि ये अधिकार प्रशासन को किसने दिया इस प्रकार का करने का। अगर चार रोज पहले की घटना है वो कार्यालय संबंधी भाजपा का, उससे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। बदले की भावना से प्रेरित होने के लिए जितने भाजपा के समर्थक लोग हैं उनको उजाड़ दें, अचानक उनको रौंद डालें, तोड़ डालें, बेरोजगार कर दें, बाल बच्चे को रोजी रोटी के लाले पड़ जाए उनके, एक कतई बर्दाश्त करने की आज गणेश चतुर्थी है और पूरा शहर गणेश भक्ति में लीन हो चुका है। शहर में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं, वहीं विद्युत सज्जा से भी लोग आकर्षित हो रहे हैं। भगवान गणेश की मूर्ति लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
उधर सरायकेला खरसवा जिले के गवरिया में भी गणेशोत्सव की धूम है, जहां मुख्यमंत्री के पुत्र ललित दास ने पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और झारखंड की समृद्धि के लिए गणपति से दुआएं मांगी। वहीं इस मौके पर ललित दास ने युवाओं को भगवान श्री गणेश का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता का सम्मान करने की सलाह दी। इस मौके पर भाजपा के कई नेता और पूजा कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। वहीं कमरिया में गैलेक्सी स्टार बॉयज क्लब की ओर से आयोजित गणेश पूजा पंडाल का विधायक चंपाई सोरेन ने उद्घाटन कर पूजा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक युवा से श्री गणेश जी के आदर्शों को अपनाने की सलाह दी तथा राज्य के सुख समृद्धि की कामना विघ्नहर्ता से की। जमशेदपुर में खेले जा रहे जोगा इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब केपीएस कमरिया और काशीडी हाई स्कूल ने अपने नाम कर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। बिष्टुपुर स्थित जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा जोगा इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में 32 स्कूलों के 56 टीमें हिस्सा ले रही थी। फाइनल मुकाबला जूनियर वर्ग में केपीएस कमरिया ने आंध्रा एसोसिएशन कदमा को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं सीनियर वर्ग में काशीडी हाई स्कूल ने डीबीएमएस कदमा को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम किया। विजेताओं को टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी शौभिक दास और शौभिक चैटर्जी के हाथों पुरस्कृत किया गया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन ने कहा कि खेल विभाग का प्रयास काफी सराहनीय है, जहां से हम युवाओं की प्रतिभा को निखार कर उसे विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। हैप्पी इंस्पायर्ड टू कम एंड सी दिस गेम एज अ फाइनल ऑफ द बॉयज फुटबॉल फॉर द जमशेदपुर स्कूल्स। माई कॉम्प्लीमेंट्स टू बोथ द टीम्स बिकॉज आई थिंक एज शौभिक जस्ट सेड बोथ ऑफ यू आर विनर्स बट स्पेशल congratulations to the winners. Good show, good game. You know, today is a special day also for us because we have both. My own view is that team sports like football, it's some people will make it as good players and probably future talent and make a life out of playing football. For all the rest, football is one of the greatest life skills teaching game. जमशेदपुर में 13th इंडियन ओपन योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रांतों से 800 से अधिक प्रतिभागी अपना किस्मत आजमाते हुए जमशेदपुर पहुंचे हैं। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कर्मकार इंस्टीट्यूट ऑफ योगा और टाटा स्टील के द्वारा इंडियन ओपन योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। दो दिनों तक चलने वाले इस चैंपियनशिप में देश के विभिन्न प्रांतों से 800 से अधिक प्रतिभागी अपना किस्मत आजमाते शहर पहुंचे हैं। कुल 4 ग्रुपों में चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य वैशाली कर्मकार ने कहा कि इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगा के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। आज और कल हमारे यहाँ पे माइकल जॉन ऑडिटोरियम में 13th इंडिया ओपन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2007 का आयोजन हो रहा है। कर्मकार इंस्टीट्यूट ऑफ योगा आर्बन सर्विस सहयोग में ये जमशेदपुर के सभी स्कूल और कॉलेजेस में से तो आ रहे हैं। ये छोड़ के रांची से पार्टिसिपेंट आए हैं और वेस्ट बंगाल बिहार और ओडिशा से पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। हम लोगों का इस कंपटीशन कराने का मेन मकसद है बाहर से अच्छे कॉम्पिटिटर्स आएंगे जमशेदपुर तथा झारखंड का बच्चा लोग उनके साथ में कॉम्पीट करेंगे और नहीं योगा से काफी लोगों का परिचय काफी हद तक हो चुका है। हमारे चीफ मिनिस्टर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।